अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो थर्सडे अपडेट्स के साथ हाजिर है। ये वीक मार्केट के लिए एक हाईली वॉलेटाइल वीक रहा और इस वीक में मार्केट ने अपने हाईएस्ट लेवल को भी अचीव करा। 99,820 की बुलंद तरीन सतह को इंडेक्स ने अचीव करा और साथ में ये वीक मार्केट के लिए वॉलेटाइल इस तरह से रहा कि सिंगल डे में मोर देन 3,500 पॉइंट्स इंडेक्स को लूज़ करते हुए भी देखा और मोर देन 4,500 पॉइंट्स इंडेक्स को अचीव करते हुए इसी वीक में देखा। साथ में अगर हम वीक टू डेट की बात कर लें सो अभी तक इंडेक्स का जो पॉइंट्स की सूरत में रिटर्न आ रहा है वो मोर देन 1400 पॉइंट्स आ रहा है। प्रिसाइसली अगर हम बात कर लें तो 1470 पॉइंट्स का वीक टू डेट तक का इंडेक्स ने रिटर्न पोस्ट करा है। करंट चार्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम देखें तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स एक ओवरहीट कंडीशन में पहुंच चुके थे वो काफ़ी हद तक हमें ईज होते हुए नज़र आए। साथ में इसमें दोबारा से मूव बनती हुई नज़र आती है। एक बुलिश मूव को हम कह सकते हैं कि इंडेक्स 100,000 एक लाख की सतह को इनिशियली टारगेट कर सकता है जिसकी क्लियरेंस के ऊपर 1,01,600 पॉइंट्स का इंडेक्स के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट हो सकता है। जबकि सपोर्ट की अगर हम बात कर लें सो 98,800 से 98,200 वीकली बेसिस पर इंडेक्स को एक सपोर्ट का रीजन नज़र आता है। पोजीशंस को एक्युमुलेट करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी अपनी पोजीशंस के ऊपर यूज़ करना चाहिए। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो उनकी लिस्ट के अंदर शामिल हैं बैंक ऑफ पंजाब, हैसकॉल, कराची इलेक्ट्रिक, फौजी फूड्स और BML। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट हमें बेहतर नज़र आते हैं अपकमिंग सेशंस के लिए उनकी लिस्ट के अंदर शामिल हैं फौजी फूड्स, SNGP, PSO, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा HBL बैंक लिमिटेड। इसी तरह की लाइव अपडेट्स हासिल करने के लिए जुड़े रहिए KD सिक्योरिटीज़ के साथ और हमारे सोशल पेजेस को लाइक कीजिए। शुक्रिया।